लखनऊ में इंदिरा नगर की रिचा सक्सेना ने खादी में महात्मा गांधी की विचारधारा की झलक देखने वाली रुचा ने जैविक खादी बनाकर मल्टीनेशनल कंपनियों की नींद उड़ा दी है। अपनी तरह की इकलौती खादी व राजधानी ही नहीं सऊदी अरब, नेपाल व ऑस्ट्रेलिया तक में धूम मचा रही है। रिचा ने 200 नई महिलाओं को काम देकर अपनी सोच को मूर्त रूप में काम किया। अब महिलाएं एक दिन में 500 से 700 रुपये कमा रही है। उन्होंने बताया कि 2018 में प्राकृतिक ऊर्जा में MSc करने के बाद इसी विषय में शोध शुरू किया है। प्रैक्टिकल के दौरान कपड़ा बनाना सीखा और उसी को आगे बढ़ाने में लग गई हूं। करीब 500 महिलाएं व पुरुष उनसे जूझ कर काम कर रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से उनके कपड़े को मान्यता भी दे दी गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि जैविक खादी को मान्यता दी गई है। कपास के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक उर्वरक गोबर की खाद का प्रयोग कर होता है, जिससे बने धागे से जैविक खादी बनती है। आयोग की कई संस्थाएं भी इसे बनाने का प्रयास कर रही है। रुचा सक्सेना ने बताया कि जैविक खादी बनाने के लिए जहां कपास की खेती होती है, उन खेतों को हरी खाद से तैयार करने के साथ ही उसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। गोबर की खाद, हरी खाद के अलावा केंचुए से बनने वाली जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। उससे तैयार होने वाले कपास से धागा बनाया जाता है। धागे की रंगाई भी फूलों से बनने वाले प्राकृतिक रंगों से की जाती है। इसके बाद इसकी हथकरघा से कपड़े की बुनाई होती है। इस कपड़े की खासियत यह है कि इसे जाड़ा और गर्मी दोनों ही समय पहना जा सकता है। गर्मी में ठंड का एहसास और जाड़े में गर्मी का एहसास यह कपड़ा दिलाता है।